थाइसोबली गांव में बाढ़ पीड़ितों के लिए एबीपीवी खेरनी यूनिट ने दिखाई मानवता, राहत सामग्री बांट की सेवा। होजाई जिले के फर्मापर पंचायत अंतर्गत थाइसोबली गांव में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की खेरनी यूनिट ने मानवता दिखाते हुए पिछले दिनों हुए बारिश के बाद बाढ़ से प्रभावित ग्रामीण व जरूरतमंदों तक राहत सामग्री वितरण किए। राहत सामग्री में दाल, आलू, नमक, साबुन, मास्क, प्याज वितरण किए। सेवा की इस भावना से बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच खुशी की चमक देखी जा रही है। वितरण के दौरान एबीपी खेरनी यूनिट के अध्यक्ष सत्येंद्र चौहान, सचिव प्रदीप सिंह, पूर्व अध्यक्ष रमेश यादव, कार्यालय सचिव राहुल और दीपक चौहान मौजूद रहे। असम हेडलाइंस न्यूज के लिए कृष्ण कुमार वर्मा की रिपोर्ट। गाँव का नाम तो अठाईसो बली। आप लोग के जो देहनी है सब बहुत अच्छा लगल हमके। कहें तो चाउर तो बात उनकी जैसे भी कोटा वोटा से मिलिए जता, मगर है उनकी जे आप लोग दिले बहन एक बहुत जरूरी रहल, एक बहुत जरूरी रहल। मांस भी मिल गई बा, आप लोग तेल, दाल, बिस्कुट, आलू, प्याज दिले बनी, मैंने सब्जी के तो मैंने प्रॉब्लम रहल हमन के जो उनकी जे आज आप लोग मेंटेन कैले बनी, जहाँ तक भी बहुत अच्छा लगल। ये तो कहे के बा बोलो। हम लोग एवीपी खेरनी यूनिट से यहाँ पे थाइसोबाली में आए हैं। यहाँ पे आके कुछ दिन पहले हम लोग देखे यहाँ की समस्या, तो बाढ़ से बहुत यहाँ पे कुछ लोग पीड़ित हैं जिनका घर और सब टूट गया है। रहने के लिए भी बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं और खाने के लिए हमारे देखा जाए तो सरकार की तरफ से चावल की सामग्री दिया जा रहा है और दूसरा में खाने के लिए और जो साग सब्जी ये सब है तेल वेल कुछ नहीं दिया जा रहा था यहाँ पे लोगों के अनुसार। फिर ये सब हम लोग देखने के बाद लोग यहाँ पे कुछ लोगों को सहायता प्रदान किए हैं और आज हम लोग आकर यहाँ पे कुछ ग्रोसरी सामान जो खाने पीने के हैं उस चीज़ को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है हम लोग खेरनी यूनिट एबीवीपी के तरफ से। और मैं सरकार से अनुरोध करूँगा, तहे दिल से अनुरोध करूँगा कि यहाँ पे जो लोग हैं उनका जायजा किया जाए, किस तरह से लोग यहाँ पे बसर कर रहे हैं, अभी रह रहे हैं, जिनके पास क्या क्या समस्या है उसको देख करके इन लोगों को कुछ राहत सामग्री या और भी कुछ सहायता हो। जैसे कि किसी के पास घर नहीं है, तिरपाल टान के कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं वर्तमान में, इसकी इस सुविधा को प्रदान किया जाए।